रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिरयानी बनाना शुरू कर रही थी तो मैंने कहा वीडियो आप लोगों से शेयर कर दूँ अपनी बिरयानी रेसिपी की। तो मैंने सबसे पहले ऑयल डाल दिया, इसमें लहसुन प्याज को सौते कर लिया, फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको हल्का सा फ्राई करके अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। अब इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी सारे, और दही पहले मैं इसमें डालूँगी अभी। तो जी मैंने दही डाला है, अब इसमें मैं पता है स्पाइसेस डालूँगी जी। इसमें मैं डालूँगी पहले 2 टेबल, ये बहुत छोटा स्पून है तो 3 टेबल स्पून, फिर 4 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबल स्पून हल्की सी, क्योंकि मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली है हरी, तो ये हल्का सा, थोड़ा सा चाट मसाला अलग अंदाज में, और ये है नेशनल का साशी बिरयानी मसाले का, तो ये डालूँगा पूरा। और ये मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्चें, ये मैं थोड़ी देर में डालूँगी। पहले मैं अब चिकन डालूँगी और आलू डालूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से भूनूँगी, अच्छे से इसको फ्राई करूँगी, तो जब ये फ्राई हो जाता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। हमारा अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, हल्के हल्के से मोटे इसमें हमने रखने हैं, मोटे मोटे से इसलिए रखेंगे क्योंकि इसमें बिरयानी में मज़ा आता है। अच्छी तरीके से मेल्ट कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल टेस्ट। अब इसमें हम लोग डालेंगे, ये मैंने पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें आधी कटी हुई आधी साबुत, और ये है आलू और गोश्त। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ सुथरा करके रख दिया है, अब ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो जी ये देखिए मैंने डाल दिया है चिकन और सब कुछ। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा भून के अब इसमें थोड़ा सा इसको गलाएंगे। अब इसमें हम बिल्कुल भी ना इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बस इसको हम गला लेंगे हल्का फुल्का। ये मैंने अच्छे से कर लिया, हमने इसी पानी में गला लेना। और ये लेमन मेरे पास छोटे छोटे से थे तो मैं ये ऐसे ही डालूँगी, गोल गोल कटिंग हो नहीं रही थी इसकी, तो मैंने बोला इसको ऐसे ही डाल दो, तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया। अब ये इसी स्टीम में गल जाएगा, तो गलता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी ये हो गए हैं चावल बॉयल, और ये मैंने चिकन अलग से निकाल दिया है, और इसको दम के करने के लिए ये मैंने निकाला है, और अब ये मैं दम पर लगाती हूँ। तो वेलकम बैक, ये देखिए मैंने ये दम पे लगाना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे ही ना वो डाल दूँगी जर्दे का रंग, टमाटर रख दूँगी, और हरी मिर्ची रख रखते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें मज़ीद और चावल डालूँगी। ये देखिए मैंने मज़ीद इसमें चावल डाल दिए, हल्का सा जर्दे का रंग डालूँगी बस। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी अच्छी तरीके से। तो जी मैंने दम पे लगा दिया, अब ये दम हो जाए फिर मैं आपको इसकी लास्ट दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं चावल बिरयानी जी। वेलकम बैक, ये मैंने बिरयानी बना ली है, ये देखिए तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी बिरयानी कैसी लगी, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रही है माशाल्लाह से। वैसे तो अच्छी ही बनाती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी बिरयानी कैसी बनी है। और आपको मेरी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात आपसे होगी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।